सुप्रभात बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से अनेक शब्दों के स्थान पर जो एक शब्द प्रयोग होता है उनके बारे में सीखने वाले हैं। ऐसे शब्दों को हम ये कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से यह कहना चाहूँगा कि सभी बच्चे बिल्कुल एकाग्रचित ध्यानमग्न होकर इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो जाएं, ताकि उनको इस वीडियो में जो भी समझाया जाए वो अच्छे से समझ आ सके। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके सामने अनेक शब्दों को के लिए जो एक शब्द हम प्रयोग करते हैं उनके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। हिंदी भाषा में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा में कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षक बनाते हैं। यानी हिंदी भाषा में क्या होता है कि कभी कभी बहुत ही लंबा वाक्य आ जाता है, तो उसकी जगह हम जो है एक शब्द का प्रयोग करके भी वाक्य को छोटा कर सकते हैं और हमारे फिर बहुत सारे शब्दों की वहाँ से बचत हो सकती है। यानी हम बहुत सारे शब्द ना बोलकर केवल एक ही शब्द का स्थान उसकी जगह पर प्रयोग करके जो है हम भाषा को प्रभावशाली और आकर्षक बना सकते हैं। तो आज जो है हम इस वीडियो में कुछ अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द प्रयोग होते हैं उनके बारे में समझेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। जैसे जिसकी कभी मृत्यु ना हो, अर्थात जो व्यक्ति कभी मरे ही ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? अमर कहते हैं। यानी जिस व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अमर। जिसमें दया की भावना ना हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? निर्दयी। तीसरा वाक्य, जिसका आदि ना हो। आदि शब्द का मतलब होता है जिसकी शुरुआत ही ना हो, तो ऐसे शब्द के लिए हम प्रयोग करते हैं अनादि शब्द। फिर चौथा वाक्य, जो कभी बूढ़ा ना हो। बूढ़ा यानी जो व्यक्ति कभी बूढ़ा ही ना हो उसको हम अजर कहते हैं, ठीक है। और जो दिखाई ना देता हो उसको अदृश्य कहते हैं। यानी अदृश्य शब्द वहाँ प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति बिल्कुल हमें दिखाई ना दे, जो व्यक्ति या कोई वस्तु हो जो अगर हमें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो उसके लिए हम अदृश्य कहते हैं कि वो अदृश्य हो गई। जिसकी तुलना ना की जा सके उसको कहते हैं अतुलनीय। यानी जिसकी किसी से भी तुलना कंपेयर नहीं कर सकते हैं तो वो क्या कहलाता है? अतुलनीय। जिसका कोई आकार ना हो उसे हम कहते हैं निराकार, ठीक है। यानी जिसका कोई भी आकार ना, पता ही ना लगा सकते हैं हम कि ना लगा सकें कि वो किस साइज का है, किस आकार का है, तो उसको निराकार कहा जाता है। जो जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, यानी अगर कोई चीज़ हमने हाथ से लिखी है तो उसको हम हस्तलिखित कहते हैं। इतिहास लिखने वाले को इतिहासकार। आइए कुछ और शब्दों के बारे में जानते हैं। जो गणित का जानकार हो उसे गणितज्ञ कहते हैं। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। यानी बहुत बोलने वाले व्यक्ति को वाचाल कहा जाता है। जहाँ जाना कठिन हो तो उसको कहते हैं दुर्गम। दुर्गम स्थान यानी बहुत मुश्किल स्थान, जहाँ जाना बहुत मुश्किल हो। जो किसी का पक्ष ना ले उसे हम निष्पक्ष कहते हैं, ठीक है। यानी जो किसी की तरफदारी ना करे किसी भी मामले में तो वो निष्पक्ष कहलाता है। ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को हम आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, ना रखने वाला, उसे नास्तिक कहते हैं। जो बिना वेतन का काम करे, बिना वेतन का मतलब कोई व्यक्ति कहीं पे जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है और उसे तनख्वाह ना मिल रही हो, यानी बिना तनख्वाह लिए, बिना सैलरी लिए वो अपना काम कर रहा हो, तो ऐसे को हम अवैतनिक कहते हैं। सैलरी को हिंदी में वेतन कहते हैं तो इसलिए अवैतनिक लगा दिया इसमें, जो बिना वेतन के काम करे। जिसे पहले पढ़ा ना हो, यानी जिस आज तक हमने कभी पढ़ा ही ना हो, तो उसको हम अपठित कहते हैं, यानी वो बिना पढ़ा हुआ होता है। नगर में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नागरिक कहते हैं। ऐसे गांव में रहने वाले व्यक्ति को हम ग्रामीण कह सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं कुछ शब्द। सुनने वाले व्यक्ति, जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं चुपचाप, तो आप लोग क्या कहलाएंगे? श्रोता कहलाएंगे। और जो व्यक्ति बोल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वक्ता। नीचे लिखे हुए शब्दों को हम निम्नलिखित कहते हैं। जैसे हर प्रश्न कभी कोई आता है तो उसमें निम्नलिखित शब्द आता है प्रश्न की शुरुआत में, तो वो नीचे लिखे हुए शब्दों के लिए आता है। फल फूल खाने वाला व्यक्ति कहलाता है शाकाहारी। और जैसे कोई व्यक्ति मांस वगैरह खाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? मांसाहारी। यानी कुछ शब्द नहीं भी लिखे हुए हैं तो मैं उनकी जगह आपको बता रहा हूँ। किसी से भी ना डरने वाला निडर कहलाता है। जो व्यक्ति किसी से भी ना डरे वो निडर कहलाता है। जिसके मन में दया हो वो दयालु कहलाता है, ठीक है ना। जिसके अंदर साहस हो वो साहसी कहलाता है। जिसमें ईमानदारी हो वो ईमानदार कहलाता है। साथ पढ़ने वाला, यानी जैसे
आपके साथ पढ़ने वाले को आप क्या कहेंगे? सहपाठी। जो आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ता है वो क्या कहलाएगा? आपका सहपाठी। ऐसी दूसरे देश से संबंध रखने वाले व्यक्ति, यानी जो दूसरे देशों में रहते हैं लोग, उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी। और अपने देश से संबंध रखने वाले, यानी जो अपने देश में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वदेशी। यानी अपने देश की जितनी चीज़ें होंगी उन्हें वो स्वदेशी कहलाएंगी, दूसरे देश की जितनी चीज़ें या व्यक्ति होंगे वो क्या कहलाएंगे? विदेशी। देखने वाले लोग, यानी जो कोई चीज़, जैसे कोई व्यक्ति मैदान में बैठकर मैच देख रहे हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं? दर्शक। या टीवी पे किसी चीज़ को हम देख रहे हैं तो वो सब क्या कहलाते हैं? दर्शक। इसलिए देखने या दर्शन करने वाले लोगों को दर्शक कहते हैं। शिक्षा देने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? शिक्षक। जो आपको शिक्षा दे रहा है, यानी जो आपके टीचर हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके शिक्षक। और रोगी की चिकित्सा करने वाला, यानी जो व्यक्ति मरीज का इलाज करता है, उसकी चिकित्सा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिंदी में चिकित्सक, इंग्लिश में डॉक्टर। और जो लकड़ी का सामान बनाता हो व्यक्ति, वो क्या कहलाता है? बढ़ई, इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। ऐसी सोने चांदी की चीज़ें बनाने वाले व्यक्ति, उसको हम क्या कहते हैं? सुनार, इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ कहते हैं। और जो चित्र बनाता हो, यानी जो चित्र वगैरह बनाता हो, पेंटिंग करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? चित्रकार, और इंग्लिश में पेंटर कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखे। आगे भी हम कुछ नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सीखेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।